महाराष्ट्र के ज्यादातर किसानों की जिंदगी सोयाबीन की फसल पर निर्भर है। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से पिछले कुछ दिनों में इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। इससे पता चला है कि किसानों ने चरणबद्ध तरीके से बिक्री शुरू कर दी है। अब वो भंडारण की बजाय इसकी बिक्री पर जोर दे रहे हैं। एक हफ्ते पहले लातूर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक 8000 से 9000 बोरी की थी, लेकिन पिछले चार दिनों से बाजार में करीब 15000 सोयाबीन की बोरी आ रही है। किसानों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इस बार दाम में तेजी आएगी। कीमतों में बार बार हो रहे बदलाव और सोयाबीन की खली यानी सोया मील आयात की चर्चा के बीच किसान परेशान है। उन्हें नहीं लग रहा है कि भविष्य में सोयाबीन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी होगी। उन्हें पता है कि जिस दिन सोया खली इंपोर्ट की खबर आएगी, उसी दिन सोयाबीन का दाम जमीन पर आ जाएगा। ऐसे में वो फसल बेचने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार का अभी सोया खली की आयात अवधि बढ़ाने या आयात करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इससे पहले सोया खली के आयात से सोयाबीन किसान आर्थिक चोट खा चुके हैं। अगर अब ऐसा हुआ तो सोयाबीन किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सोयाबीन किसानों में डर है कि कहीं आगे सोयाबीन के दाम ना गिर जाएं। इसीलिए मंडियों में अपनी सोयाबीन बिकवाली के लिए ला रहे हैं। अभी तक सोयाबीन के स्टॉक करने पर 2000 रुपये की बढ़ोतरी मिली है। अब ज़्यादातर मंडियों में 6000 रुपये क्विंटल का रेट है। इससे कम हुआ तो किसानों को घाटा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग इतनी ही लागत आती है। पिछले सप्ताह ही महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर अपील की थी कि सोयाबीन इंपोर्ट ना किया जाए ताकि किसानों का हित सुरक्षित रहे। सीजन की शुरुआत के बाद से लातूर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक कम रही थी। दरों में वृद्धि होने के बावजूद किसानों ने भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि पिछले सप्ताह कीमतों में गिरावट और सोयाबीन के आयात की चर्चा के चलते किसानों ने भंडारित सोयाबीन को चरणबद्ध तरीके से बेचने पर जोर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले सोयाबीन में औसतन 6400 रुपये का भाव मिला था, लेकिन आवक में तेजी से एक ही दिन में लातूर मंडी में 15000 सोयाबीन की बोरियां आ गई, जिससे पता चल रहा है कि इस समय किसानों के मन में क्या चल रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।